गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आवर सब्जेक्ट इज वैल्यू एजुकेशन स्टैंडर्ड 5th, चैप्टर 9, बीरबल कुक्स हिज राइस। मतलब मैं बीरबल अपना चावल पकाता है, मतलब मैं वो बीरबल की खिचड़ी वाली स्टोरी आपने हिंदी में सुनी ही होगी, वही ये कहानी है। वन कॉल्ड मॉर्निंग, एक ठंडी की सुबह, किंग अकबर एंड हिज कोर्टियर बीरबल वेर वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द यमुना। वो लोग अकबर बादशाह और बीरबल यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। द कोल्ड गस्ट ऑफ विंड मेड द किंग शिवर। ठंडी का जो हवा, ठंडी ठंडी जो हवा चल रही थी, उसके वजह से राजा अकबर कांप रहे थे। मतलब ही सेड बीरबल, कैन एनी वन स्टे इन द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना ऑल नाइट। क्या इतनी सर्दी में कोई पूरी रात इस यमुना नदी के पानी में रह सकता है? तो बीरबल ने जवाब दिया, यस सर, रिप्लाइड बीरबल। यानी बीरबल ने कहा, हाँ, आई विल ब्रिंग वन टू यू दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में आपके पास उसको लाऊंगा। ऑल राइट, ठीक है, सेड अकबर, अकबर बादशाह ने कहा। इफ ही स्टे इन द वॉटर टू नाइट, अगर वो इस पानी में आज रात रुकता है या रहता है, आई विल गिव हिम 5000 गोल्ड कॉइंस, तो मैं उसको 5000 सोना मोहर दूंगा, सोने के सिक्के दूंगा, अगर अच्छी रात पानी में रहता है तो। बीरबल ब्रॉट हिज वॉशरमैन टू द किंग दैट आफ्टरनून एंड अकबर सेड टू द मैन, स्टे इन द वॉटर ऑफ द यमुना टू नाइट एंड कम टू मी टूमोरो मॉर्निंग टू गेट योर रिवॉर्ड। अब देखिए, बीरबल ब्रॉट हिज वॉशरमैन, यानी बीरबल अपने धोबी को लाया राजा के पास दोपहर के वक्त, और अकबर बादशाह ने उससे कहा कि पूरी रात भर यमुना के पानी में रहे और कल आकर, सुबह आकर मेरे से जो इनाम है वो लेकर जाए। माई सोल्जर्स विल बी देयर टू वॉच यू, मेरे जो सिपाही है वो वहां पर तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, द मैन केम टू द किंग्स कोर्ट विथ 4 soldiers, 4 सिपाहियों के साथ वो आदमी दरबार में हाजिर हुआ। ही सेड, योर मजेस्टी, आई स्टेड इन द वॉटर ऑफ यमुना लास्ट नाइट। वो अपने सोल्जर के साथ आया, सिपाहियों के साथ आया, और उसने कहा कि भाई महाराज, मैं कल रात पूरी रात बोले यमुना के पानी में रुका था। 4 सिपाही को लाकर बोलता है, ही सोल्जर सेज, यानी कि उसके सिपाहियों ने कहा, ही इज राइट योर मजेस्टी, महाराज ये सच कहता है। ही डिड नॉट कम आउट ऑफ द रिवर इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, बोले एक पल के लिए भी ये नदी के पानी में से बाहर नहीं आया। अकबर सेड टू द मैन, अकबर ने उस आदमी से कहा, वॉज द वॉटर नॉट कोल्ड, क्या पानी ठंडा नहीं था? हाउ डिड यू पास ऑल द नाइट इन कोल्ड वॉटर, के बोले तुमने इतने ठंडे पानी में पूरी रात कैसे बिताई? द मैन सेड, आदमी ने कहा, योर मेजेस्टी द वॉटर वॉज वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा था, बट आई पास द नाइट लुकिंग एट द लाइट ऑफ योर पैलेस, लेकिन मैं आपके जो पैलेस, महल की जो लाइट है जल रही थी, मतलब मैं रोशनी हो रही थी उसके, उसको देखते देखते मैंने पूरी रात गुजार दी। अकबर रिटॉर्ड, ओ यू रिसीव वार्म फ्रॉम द लाइट ऑफ द पैलेस, के बोले अकबर ने फौरन पलट के जवाब दिया कि बोले तुम तो गर्मी, बोले पैलेस की जो महल की लाइट से उससे हासिल कर रहे थे। आई वॉन्ट गिव यू एनी मनी, मैं तुमको कोई पैसा नहीं दूंगा। यू मे गो, तुम जा सकते हो। द वॉशरमैन वेंट टू बीरबल बोइंग हिज हेड इन डिसअपॉइंटमेंट एंड टोल्ड हिम वॉट हैड हैपन एट द कोर्ट। वॉशरमैन जो धोबी था बीरबल का, वो बीरबल के पास निराश होके गया और उसने झुक के निराश होके गया, यानी बोइंग ही सेड मतलब सलाम किया कि उसके साथ दरबार में क्या हुआ उसने बताया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, बीरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट, बीरबल अपने दरबार में नहीं गए, मतलब राजा के दरबार में नहीं गए। ही पुट सम राइस एंड वाटर इन टू अ स्मॉल पॉट, एक छोटे से बर्तन में, मतलब में मटके में उन्होंने थोड़ा चावल और पानी डाला। एंड टाइड इट टू द टॉप ऑफ द ट्री ऑफ अ टॉल ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के सामने जो एक बड़ा सा पेड़ था, ऊंचा सा, उस पर उसने वो मटकी को बांध दिया। देन ही मेड अ फायर ऑन द ग्राउंड अंडर द पॉट एंड सेट वेटिंग, और जो उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के नीचे मटकी बांधी थी, वहीं पर नीचे उसने आग लगाई और
बैठ गया। अकबर सेंट अ मैसेज टू बीरबल्स हाउस, अकबर ने बीरबल के घर पे हाउस टू समन हिम टू द कोर्ट, मतलब बुलावा भेजा कि भाई बीरबल को दरबार में हाजिर किया जाए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, टेल द किंग दैट आई एम प्रिपेयरिंग माई मील एंड आई विल कम आफ्टर टेकिंग माई मील। उसने ऐसा कहा कि भाई राजा से कहिए जाके कि बीरबल अपना खाना पका रहा है और खाना खाकर ही आएगा। आवर्स रोल्ड बाय बट बीरबल डिड नॉट कम टू द कोर्ट, घंटे बीतते गए लेकिन फिर भी बीरबल दरबार में नहीं गए, नहीं आए। एट लास्ट, आखिरकार किंग अकबर लॉस हिज पेशेंस, आखिरकार राजा ने अपनी धीरज खो दी। ही हिमसेल्फ वेंट टू द बीरबल्स हाउस, वो खुद ही बीरबल के घर गए एंड आस्क और पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर बीरबल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बीरबल टोल्ड द एम्परर दैट ही वॉज कुकिंग राइस फॉर हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप के लिए चावल बना रहा है। अकबर लुक, यानी खिचड़ी बना रहा है जो भी। अकबर लुक एट द पॉट टाइड टू हा हाई ट्री, अकबर ने देखा कि एक मटका एकदम पेड़ पे ऊंचे बंधा हुआ है। देन ही लुक एट द फायर ऑन द ग्राउंड, फिर वो देखते हैं जमीन पर जो आग लगी होती है, जो आग जलाई हुई होती है। ही सेड, आर यू मैड बीरबल, क्या तुम पागल हो बीरबल, लुक यू कैन नेवर बॉइल योर राइस दैट वे, इस तरीके से तुम कभी भी अपनी खिचड़ी नहीं पका सकते या चावल को नहीं उबाल सकते। इट विल बॉइल सर, रिप्लाइड बीरबल, हाँ ये तो ज़रूर उबलेंगे। इस तरीके से किसने जवाब दिया, बीरबल ने जवाब दिया। आई एम लिविंग, यानी पकी जाएगी खिचड़ी। आई एम लिविंग इन द किंगडम ऑफ अ ग्रेट किंग, मैं इतने बड़े महान राजा के राज्य में रहता हूँ। ही पजेसिस बोथ द टेम्पोरल एंड स्पिरिचुअल पावर्स, मतलब मैं ऐसे राजा के राज्य में रहता हूँ जिनके पास लौकिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के मालिक है, मतलब मैं उनके पास वो पावर्स है। ही इज़ गॉड फियरिंग एंड मर्सीफुल टू हीज पीपल, और वो बोले अल्लाह से डरते भी हैं और अपने जो प्रजा है रैयत उस पर लोगों पर वो रहम भी करते हैं, दया भी करते। सो मिरेकल्स आर परफॉर्म इन हीज किंगडम, तो इसके इनके राज्य में चमत्कार होते रहते हैं। मतलब योर मेजेस्टी महाराज, लास्ट नाइट अ वॉशरमैन स्टूड इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना वार्मिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइट्स ऑफ द पैलेस, बोले पिछली रात एक धोबी यमुना के पूरे ठंडे पानी में पूरी रात उसने गुजारी थी और वो सिर्फ महल की लाइट से ही उसने पूरी रात देखते देखते ही पूरी रात गुजार दी। सो आई एम श्योर, तो फिर मेरा मानना ये है कि दैट द वाटर इन द पॉट ऑफ राइस विल ऑल्सो बॉइल, तो ज़रूर मेरी भी खिचड़ी पकी जाएगी, ये जो मटके में है वो ज़रूर पकी जाएगी। अकबर अंडरस्टूड व्हाट बीरबल मीन, अकबर बादशाह समझ गए कि भाई बीरबल क्या कहना चाहते हैं। ही वेंट बैक टू हिज कोर्ट, वो अपने दरबार में वापस लौटे एंड समन द वॉशरमैन, और वॉशरमैन जो धोबी था उसको बुलाया। ही गेव हिम ट्वाइस अमाउंट ऑफ द रिवॉर्ड, उन्होंने उसको जो इनाम था उससे दुगनी रकम अदा की। द वॉशरमैन रिटर्न टू हिज होम ब्लेसिंग द किंग्स चैरिटी, अब धोबी अपने घर पे लौटा, बोले कि राजा ने मुझे जो दान दिया, तो जो आशीर्वाद दिया, दान दिया, उसके लिए वो वापस लेकर अपने घर लौटा। बीरबल रिटर्न टू हिज कोर्ट, बीरबल वापस दरबार में लौटे, प्रेसिंग द किंग्स मर्सी एंड जस्टिस, राजा की जो दया रहम थी उसकी और उनके जो न्याय की तारीफ करते करते वो दरबार में लौटे। नाउ थॉट ऑफ द डे, मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग वेल डन, अगर आप चाहते